हेलो एवरीवन, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द हब। तो हब क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये अलाउ करती है मल्टीपल पीसीज को एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है यहाँ पे। ये देखो, ये हमारी एक हब लगी हुई है और हब के साथ मल्टीपल पीसीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हब का दूसरा यहाँ पे कि हब यूज टू कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ लाइन। मेन इसका जो पोर्ट वन है वो PC1 कनेक्टेड है, पोर्ट टू के साथ PC2 कनेक्टेड है, पोर्ट थर्ड के साथ PC3 कनेक्टेड है। तो ऐसे ये लैन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। और जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए मैं एक आपको ये डायग्राम पे लेके चलता हूँ। तो जैसे जो हब का मेन काम होता है, तो यहाँ पे मान लो ये PC A है, ये PC B के साथ बातचीत करना चाहता है। तो PC A ने क्या किया, यहाँ पे कोई एक पैकेट सेंड किया। तो पैकेट जब वो हब को मिला, तो हब का काम होता है कि वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देती है। ब्रॉडकास्ट का मीन कि ये PC B को भी मिलेगा, PC C को भी मिलेगा और PC D को भी मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली कि जो PC A है उसने तो जस्ट PC B के लिए ये पैकेट सेंड किया, बट वो C और D को भी मिल रहा है। तो ये C और D क्या करेंगे, उस पैकेट को देखेंगे और वहाँ से ही उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि ये अननेसेसरली जो ट्रैफिक है PC C और D के ऊपर जा रहा है, क्योंकि हब का तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो स्पीड है, मतलब हमारी जो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करने की स्पीड है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये एक ये डिसएडवांटेज है हमारा हब का। तो ये थर्ड पॉइंट में यही बताया गया कि हब स्टोर द वेरियस पोर्ट, सो व्हेन ए पैकेट अराइव ऑन वन पोर्ट इट कॉपी टू वेरियस अनदर पोर्ट। मीन जब PC A ने पैकेट B के लिए सेंड किया, तो जब ये वाला पैकेट A की तरफ से यहाँ पे मिला हब को, तो हब क्या करेगा, वो सारे के सारे पोर्ट्स को ही वो पैकेट सेंड कर देगा। तो हब वर्क एज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट डिवाइस इन द नेटवर्क। तो ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो जो जो हमारा एक जो OSI मॉडल की Layer 1 के ऊपर जो हमारा ये हब वर्क करता है, और हब के ऊपर हम कोई वीलेंस को नहीं क्रिएट कर सकते। तो एक ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है, कैन सेंड एंड रिसीव डाटा बट ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट टाइम। इसका मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, ओके। तो ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स को भी हब सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको पता है कि मतलब जो हब के अंदर जो कलिजन तो अगर होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ना जो हमारा मैक एड्रेस होता है उसको भी हब स्टोर नहीं कर पाती, और इसकी जो स्पीड होती है अप टू 10 MBPS होती है, जो हब की स्पीड होती है। और ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। इंटेलिजेंस मीन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब एक पैकेट जाएगा, ठीक है, तो वो पैकेट सभी सारे के सारे दूसरे पीसीज को भी मिलेगा। तो इसका यही मतलब है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें से मतलब क्या है ना, अननेसेसरली ट्रैफिक दूसरे पीसीज को ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसीलिए ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी हब है, ये हम स्मॉल नेटवर्क में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हब है। एक बड़े नेटवर्क में हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़े नेटवर्क में आपको लगाएंगे तो देन वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी स्पीड है नेटवर्क की, बिल्कुल ही डाउन हो सकती है, मतलब डाउन हो जाएगी। और वहाँ पे ऐसा भी होता है कई बार, तो ऐसा भी होता है कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है या हमारा जो वो क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि ये हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है। तो जो हब है हम मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज बताने से पहले एक मैं दो चीज़ बता दूं यहाँ पे, मैं मिस कर गया कि जो हब होती है, जो टू टाइप्स की होती है, एक्टिव हब और पैसिव हब। जो एक्टिव हब होती है हमारी, वो क्या करती है, वो सिग्नल्स को रीजनरेट करती है और आगे फॉरवर्ड करती है। तो जो एक्टिव हब होती है उसको उसके इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और जो हमारी पैसिव हब होती है उसमें क्या होता है, जो पीछे से आ रहे सिग्नल को वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये रीजनरेट नहीं करती, ठीक है। ना ही इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो हमारी पैसिव हब होती है।
ठीक है, जो टू टाइप से ऐप होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो अब डिसएडवांटेज के ऊपर हम बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये जो हमारा ये हाफ डुप्लेक्स है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये डेडिकेट बैंडविड्थ लीक मल्टीपल, हम मान लो जहाँ से 20 डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड कर दी, तो उसके लिए ये मतलब डेडिकेट नहीं है हब हमारा। तो ये बेस्ट पाथ को भी चूज़ नहीं करता, जो हमारा हब है ये नेटवर्क बेस्ट पाथ को भी सिलेक्ट नहीं करता। और इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं कि वो ट्रैफिक को रिड्यूस कर सके, अंडरस्टैंड। तो जो जो हब का जो नेटवर्क साइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप जितने छोटे नेटवर्क में हब को यूज़ करेंगे उतनी हमारे लिए बेनिफिट है। जेकर हम बड़े नेटवर्क को इंटरकनेक्टेड करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपकी मैनेजेबल स्विचेस। ओके, तो मे बी आप हब के बारे में अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी व्हाट इज़ द स्विच उसके साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।